नियो मेनिया मतलब नए चीजों का मेनिया, तो ना पागलपन होता है लोगों को नई नई चीजों का। डिसरिगार्ड द ब्रांड न्यू, एकदम जो सबसे नई आती है, लोग कुछ लोग पागल होते हैं, मुझे नया नया चाहिए, कोई भी नई चीज मार्केट में आई, नई गाड़ी, नया मोबाइल, नया लैपटॉप, तो वो लोग चाहते हैं उसको। तो 69th टॉपिक है डिसरिगार्ड द ब्रांड न्यू, न्यू मेनिया, नया चीज का मेनिया। हाउ विल द वर्ल्ड लुक इन 50 years, 50 साल बाद दुनिया कैसी दिखाई देगी। वट विल योर एवरीडे लाइफ बी लाइक, आपकी रोजमर्रा की लाइफ कैसी होगी। विथ विच आइटम विल यू सराउंड योर सेल्फ, कौन कौन सी चीजें आपके आसपास नई नई चीजें आएंगी 50 साल बाद। पीपल हु पॉन्डर्ड दिस क्वेश्चन 50 years अगो हैड फैंसीफुल नोशन ऑफ हाउ फ्यूचर वुड लुक, जिन्होंने इस चीज पर 50 साल पहले सोचा था, तो बहुत फैंसीफुल चीजें, बहुत काल्पनिक चीजें उन्होंने सोची थी। वुड लुक हाईवेज इन द स्काईज, लोगों ने सोचा था हवा में हाईवे होंगे, नहीं पिक्चर में देखी हमने जो फ्यूचर थी 50 years, 2050 years में, मुझे याद है फिल्म आई थी, नाम है टॉम क्रूज थे उसमें, माइनॉरिटी रिपोर्ट देखी है। माइनॉरिटी रिपोर्ट निकली थी आज से करीब 10 साल पहले, स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाई है। स्टीवन स्पीलबर्ग भी सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स इन द वर्ल्ड, तो उन्होंने इसकी इमेजिनेशन की है कि जो नॉर्मल रोड्स हैं वो रोड्स रिप्लेस हो जाएंगी ऑटोमेटिक हाईवेज से, पूरी की पूरी हाईवेज चलेगी, और वो हाईवेज ऊपर वर्टिकल भी होंगी और हॉरिजॉन्टल भी होंगी, तो बिल्डिंग्स ऊंची होती जाएंगी और हॉरिजॉन्टल भी होंगी। अच्छी अच्छी इमेजिनेशन है। प्लस उसमें उन्होंने, आपने वो देखा है वो प्रणव मिस्त्री का एक छोटा सा टेड टॉक, उसने उसमें माउस उंगलियों पर लगाने वाला माउस, तो उन्होंने उसको इमेजिन करके उन्होंने बनाया था कि फ्यूचर में ऐसे ऐसे कंप्यूटर्स आएंगे, तो टॉम क्रूज उस तरह के माउस यूज करते हैं टेड टॉक में। तो जो लोग भी इमेजिन करते हैं वो ऐसा है, बहुत फैंसी कुछ इमेजिन करते हैं। सिटीज दैट रिजेंबल्स ग्लास वर्ल्ड, शहर जो पूरे ग्लास के बने होते हैं। बुलेट ट्रेन्स वाइंडिंग बिटवीन ग्लीमिंग स्काई स्क्रैपर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में बुलेट ट्रेन्स जा रही हैं। वी वुड लिव इन प्लास्टिक कैप्सूल्स, वर्क इन अंडर वाटर सिटीज, प्लास्टिक कैप्सूल्स में रहेंगे, अंडर वाटर सिटीज में काम करेंगे, वेकेशन ऑन द मून एंड कंज्यूम एवरीथिंग इन पिल फॉर्म, मून पे जाएंगे वेकेशन करने और दवाइयों के छोटे छोटे पिल के फॉर्म में हम खाना खाएंगे। वी वुडंट कंसीव ऑफ स्प्रिंग्स एनी मोर, हमारे बच्चे पैदा नहीं होंगे अब माँ बाप से। इंस्टेड वी वुड चूज चिल्ड्रन फ्रॉम कैटलॉग, कैटलॉग आएंगे उसमें बच्चे डिसाइड करो काला चाहिए, गोरा चाहिए, मैथमेटिशियन चाहिए। आवर बेस्ट फ्रेंड वुड बी रोबोट्स, दोस्त रोबोट्स होंगे। डेथ वुड बी क्योर्ड एंड वी वुड हैव एक्सचेंज्ड अवर बाइक्स फॉर जेट पैक लॉन्ग अगो, बाइक्स नहीं चाहिए होंगी, जेट पैक होंगे, पहना जूम करके पहुंचकर कहीं और पहुंच गए। बट हैंग ऑन अ सेकेंड, रुकिए, टेक अ लुक अराउंड, यू आर सिटिंग इन अ चेयर ऑन एन इन्वेंशन फ्रॉम एंशियंट इजिप्ट, ये जो कुर्सी है इजिप्ट के समय खोजी गई थी। योर वियर पैंट्स, जो आपने पैंट पहना है, डेवलप्ड अराउंड 5000 years अगो, 5000 साल पहले खोजी गई थी, एंड एडाप्टेड बाई जर्मेनिक ट्राइब्स अराउंड 750 BC, 700, और उन्होंने किसे अडाप्ट की थी, 750 BC से, जर्मन लोगों से, ट्राइब्स। द आइडिया बिहाइंड योर लेदर शूज कम्स फ्रॉम द लास्ट आइस एज, लेदर शूज पहनते हैं, आइस एज का आइडिया है ये। योर बुक शेल्फ्स आर मेड अप ऑफ वुड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग मटेरियल इन द वर्ल्ड, दुनिया की वन ओल्डेस्ट मटेरियल बिल्डिंग। एट डिनर टाइम यू यूज अ फोर्क, अ वेल नोन किलर एपरेटस, फोर्क इज वेल नोन किलर एपरेटस फ्रॉम रोमन टाइम्स, जो रोमन के जमाने का है। अ शॉवल चंक ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट योर माउथ माउथ्स, ये वो डेड एनिमल्स को काटता है और आपके मुंह में डालता है खाना। नथिंग हैज चेंज्ड, कई साल हो गए, ये चीजें इतनी आसानी से इतनी जल्दी बदली नहीं। सो हाउ विल द वर्ल्ड लुक इन 50 years इन दिस बुक एंटी फ्रेजाइल, एंटी फ्रेजाइल का पढ़ते हैं, नासिम तालेब गिव्स अ क्लू, नासिम तालेब इसका एक हिंट देते हैं, ये बताया।
नासिम ताल ने बताया है, अज्यूम दैट मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट हैज एग्जिस्टेड फॉर द पास्ट 50 इयर्स विल सर्व अस फॉर अनदर हाफ सेंचुरी। जो चीज पिछले 50 साल पहले खोजी गई है वो अगले 50 साल ही चलेगी। Why? And assume that the recent technology will pass in few years time. और जो एकदम नई टेक्नोलॉजी है कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। क्यों? Think of these inventions. अब कुछ इन्वेंशन देखिए। If they were species, अगर एक species की तरह देखते हैं, whatever has held its own throughout the centuries of innovation will probably continue to do so in future too. जो चीजें बहुत सालों से centuries से बची रह गई हो सकता है आगे भी बची रह जाए। ओल्ड टेक्नोलॉजीज हैज प्रूवन इटसेल्फ। जो पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं जैसे वुड है तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, बर्तन बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। इट पोसेसेस एन इनहेरेंट लॉजिक इवन इफ वी डू नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड इट। उसके अंदर में अपनी एक लॉजिक है चाहे हम उसको समझे चाहे ना समझे। जैसे अभी कोई ऐसा एग्जाम्पल, चलिए आएगा तो अभी ध्यान में नहीं आ रहा। उनके अंदर में अपनी लॉजिक है जो हमारे लिए बहुत क्लियर नहीं होती होगी अभी। इट पोसेसेस एन इनहेरेंट लॉजिक इवन इफ वी डोंट अंडरस्टैंड। इफ समथिंग हैज एंड्योर्ड फॉर एपॉक्स, अगर कोई चीज बहुत सालों से एंड्योर बची हुई है, इट मस्ट बी वर्थ इट्स सॉल्ट। उसके अंदर दम है तभी तो बचा हुआ है। यू कैन टेक दिस टू हार्ट नेक्स्ट टाइम यू आर इन स्ट्रैटेजी मीटिंग। और इस चीज को जान लीजिए, जब कभी आप मीटिंग करते हैं स्ट्रैटेजी की, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट के बजाय आप उन चीजों के ऊपर ध्यान में रखें जो चीज बहुत सालों से है, वो ज्यादा वैल्यूबल प्रूव होगी अगले बहुत सालों तक। 50 इयर्स इन फ्यूचर विल लुक अ लॉट लाइक टुडे। आज से 50 साल बाद दुनिया तकरीबन वैसी ही होगी जैसी आज। ऑफ कोर्स यू विल विटनेस द बर्थ ऑफ मेनी फ्लैशी गैजेट्स एंड मैजिक कॉन्ट्रासेप्शंस। बहुत सी नई नई चीजें होंगी, फ्लैशी गैजेट्स आएंगे, एप्पल फोन आ गया, पिछले 50 सालों में एप्पल फोन आया है, लैपटॉप की नई नई वैरायटीज आई हैं, कंप्यूटर की नई नई वैरायटीज आए हैं, प्रिंटर बहुत नए आए हैं, गाड़ियां बहुत नई नई आ गई हैं। बट मोस्ट विल बी शॉर्ट लिव्ड, लेकिन ज्यादातर बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। व्हेन कॉन्टेम्पलेटिंग द फ्यूचर वी प्लेस फार टू मच एम्फेसिस ऑन फ्लेवर ऑफ द मंथ इन्वेंशन एंड द लेटेस्ट किलर एप्स व्हाइल अंडर एस्टिमेटिंग द रोल ऑफ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। हम जब भी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है उनके बारे में बहुत नहीं सोचते, बल्कि हम उनके बारे में सोचते हैं जो लेटेस्ट है। इन 1960s स्पेस ट्रेवलर्स ऑल द रेज, लोग कहते थे 1960 में स्पेस में लोग जाएंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे हम। सो वी इमेजिनड आवर सेल्व्स ऑन स्कूल ट्रिप्स टू मार्स। हम लोग जब छोटे थे तो हम सोचते थे हमारा स्कूल ट्रिप मार्स में जाएगा, दूसरे ग्रह पे जाएगा। 1970s The plastic was in, अभी प्लास्टिक आया था 1970s में। So we mulled over how we would furnish our see-through houses, हमारे प्लास्टिक के घर बनेंगे मोटे मोटे प्लास्टिक के। Taleb traces this tendency back to neo-mania pitfall, the mania for all things shiny and new. Taleb कहता है कि basically हमारा पागलपन है कोई भी नई चीज का, जो नई चीज होगी उसके लिए हम पागल हो जाते हैं। In the past, I sympathized with so-called early adopters. मतलब मैंने शुरू शुरू के चैप्टर्स में मैंने सिंपेथाइज किया था, मैंने कहा था बेचारे अच्छे लोग हैं अर्ली अडॉप्टर्स के लिए। अर्ली अडॉप्टर्स कौन? जो कोई भी नई चीज आती है सबसे पहले उनको वो चाहिए। द ब्रीड ऑफ पीपल हु कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द लेटेस्ट आईफोन, ये ऐसे लोग हैं जो लेटेस्ट आईफोन आया तो उसके बिना जी नहीं सकते। आई थॉट दे वर अहेड ऑफ देयर टाइम, मुझे लगता था शायद अपने समय से वो फ्यूचर के लोग हैं, देखो लेटेस्ट चाहिए। नाउ आई रिगार्ड देम एज इरेशनल एंड सफरिंग फ्रॉम अ काइंड ऑफ सिकनेस। अब मुझे लगता है वो इरेशनल है। इरेशनल मतलब दिमाग में खराब है उनका, पागल है वो, और एक तरह का उनके अंदर बीमारी है। कौन सी बीमारी? बोलते हैं नियो मेनिया। नियो मतलब नया, मेनिया मतलब पागलपन, नए चीज का पागलपन। टू देम इट इज ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस इफ एन इन्वेंशन प्रोवाइड्स टेंजेबल बेनिफिट्स। उनके लिए इसका मतलब नहीं है कि टेंजेबल बेनिफिट है कि नहीं, टेंजेबल मतलब दिखने वाला बेनिफिट। नॉवेल्टी मैटर्स मोर, उनको बस ये है कि नई होनी चाहिए कोई चीज। उसमें से एक हमारे घर के नीचे भैया रहते हैं, उनको हर नई चीज पसंद आती है, नई गाड़ी, नया मोबाइल, सब कुछ नया नया।
सो डोंट गो आउट ऑफ द आउट ऑफ अ लिम व्हेन फोरकास्टिंग द फ्यूचर. जब भी आप अपना फ्यूचर फोरकास्ट कर रहे हैं, किसी का फ्यूचर फोरकास्ट कर रहे हैं, तो अपने टांगों से बाहर मत जाइए. स्टैनली क्यूब्रिक्स कल्ट मूवी, बहुत फेमस पिक्चर थी स्टैनली क्यूब्रिक की, 2001 स्पेस ओडिसी, 2001 स्पेस ओडिसी इलस्ट्रेट्स व्हाई यू शुडंट. उसको देख करके आपको मालूम पड़ेगा क्यों नहीं करना चाहिए आपको. मेड इन 1968 में पिक्चर बनी थी. द मूवी प्रेडिक्टेड दैट एट द टर्न ऑफ द मिलेनियम, 2000 के बाद US would have 1000 strong colony on the moon, 1000 colony होंगी moon पे, and Pan Am would operate the computer flight there and back. और Pan Am नाम की कंपनी रहेगी जो वहां से फ्लाइट ऑपरेट किया करेगी अमेरिका से, मतलब धरती से चांद तक. अभी हमारे पास इंडिया में टॉयलेट करने के लिए प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है ऑल ओवर इंडिया में. लोग गए थे बनारस, वहां पे बेचारे आज भी लोग बाहर ही करते हैं टॉयलेट. इस बार जो मीटिंग हुई है मोदी जी की विद ओबामा, नहीं बिल गेट्स, उन्होंने इसको बहुत इंपॉर्टेंट इशू बना के निकाला है कि मुझे अगले 10 साल में 20 साल में हर इंडियन को टॉयलेट मिलना चाहिए लैट्रिन करने के लिए. विथ दिस फैंसीफुल फोरकास्ट इन माइंड आई सजेस्ट दिस रूल ऑफ थंब. तो मैं एक रूल बता रहा हूँ आपको, वॉट एवर हैज सर्वाइव्ड फॉर एक्स ईयर्स विल लास्ट अनदर एक्स ईयर्स. जो भी चीजें पिछले 10 साल के लिए हैं तो अगले 10 साल रहेंगे, पिछले 50 साल सर्वाइव किए हैं तो अगले 50 साल सर्वाइव करेंगे, पिछले 500 साल सर्वाइव किए हैं तो अगले 500 साल सर्वाइव करेंगे. तो हमको कौन से बिजनेस में होना चाहिए, कोई ऐसी चीज का बिजनेस जो पिछले बहुत सालों से चल रहा है. गोल्ड का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस होगा अगर आप घुसना चाहते हैं, जो बहुत सालों से गोल्ड का बिजनेस चल रहा है. बर्तन का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, फर्नीचर का बिजनेस, घरों का बिजनेस. Taleb wagers that the bullshit filter of history will sort the gimmicks from game changer. बोलता है जो history है ना वो game changer को रख लेता है और जो बेकार होता है निकाल के फेंक देता है. Filter की तरह काम करता है time. And that's one bet I'm willing to back. और बोलता है एक चीज तो सही है, Taleb की बात एकदम सही है. Hedonic treadmill भी नाम है इसका. ये मुझे एकदम नई चीज मिली थी कि जो बहुत पुरानी चीजें हैं वो बहुत पुराने से बहुत फ्यूचर तक चलेगी. हम लोग लगता है ना कि नई टेक्नोलॉजी है तो बहुत साल चलेगी, वो तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी. नहीं ऐसा नहीं. अभी मुझे याद है से 15 साल पहले एक चीज आई थी, उसका नाम था पेजर. और पेजर मुश्किल से 3 या 4 साल चली. पेजर मतलब छोटे से गैजेट आते थे, उसको हम जेब में रखते थे और अगर मेरे फ्रेंड को मुझे कुछ मैसेज देना है तो फोन करता था वहाँ ऑफिस में और ऑफिस वाले मुझे जो सेंटेंस वो बोलते थे तो मुझे एसएमएस आ जाता था. उस समय एसएमएस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था. खुद उनका कोई आया, नमस्ते भैया, नमस्ते, आई आई प्लीज. ठीक है, आज का टॉपिक ये था कि न्यू मेनिया से बच के रहना है.